अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड बाय अरीब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं 2 मिनट में माइक्रोवेव में वनीला मग केक। ये बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है और ये 2 से 3 मिनट में ही रेडी हो जाती है। बहुत ही सिंपल है, ये 2 मिनट में बेक होता है ये माइक्रोवेव में वनीला केक। ये बहुत ही डिलीशियस लगता है और काफ़ी आसान इंग्रेडिएंट्स है, सबके घर में अवेलेबल होते हैं इसके इंग्रेडिएंट। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मग ले लें, आप कप ले लें, लेकिन थोड़ा छोटा ले लीजिएगा, मैंने यहाँ पर बड़ा ले लिया था। इसके अंदर आपने लेना है 4 टेबल स्पून मैदा, ऑल पर्पज फ्लावर लेना है 4 टेबल स्पून, या आपको ज़रूरी नहीं है छाना हुआ या बगैर छाना हुआ, जैसा लेना है ले लें। तो मैंने 4 टेबल स्पून मैदा डाल लिया। आप यहाँ पर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मग छोटा लीजिएगा, मैंने बड़ा ले लिया था। इसके बाद यहाँ पर 3 टेबल स्पून दूध डाल देंगे हम। दूध डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगा 1/4 टीस्पून विनेगर। विनेगर हमारे केक को मॉइस्ट और सॉफ्ट बनाएगा बहुत ज़्यादा। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हमारे केक को फुलाता है। बेकिंग पाउडर डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगा 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगा 2 टेबल स्पून चीनी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस ज़रूरी डालना होगा यहाँ पे आपने। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टेबल स्पून ऑयल, ताकि हमारा केक शाइनी सा बने। इसके बाद इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूँगा, जब तक कि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है इसको, जब तक लम्स ना रहे इसके अंदर। तो देखें यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है, ऐसी रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। अब हम इसको माइक्रोवेव करेंगे, तो चलिए माइक्रोवेव की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने इसको बीच में नहीं रखना है, कोने में रखना है, ताकि अच्छे से बेक हो, उस पर हीट इवन लगे। बीच में रखते हैं तो इवन नहीं लगती हीट। इसके बाद इसको बंद कर देंगे और मैंने यहाँ पर पावर माइक्रोवेव की 100 कर ली है। इसके बाद मैं इसके अंदर 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूँगा। आपको 1 मिनट 40 सेकेंड और 2 मिनट के बीच में ही हमारा केक बेक होता है। मेरा 2 मिनट पर हुआ था, माइक्रोवेव पर डिपेंड करता है। यहाँ पर 2 मिनट के बाद ये देखें केक कितने अच्छे से बेक हो गया हमारा। इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल्स डाल दूंगा, आपकी ऑप्शनल है स्प्रिंकल्स, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें वरना मत डालें। तो देखिए बहुत ही सिंपल रेसिपी थी, हमारा केक 2 मिनट में रेडी हो गया। अगर आपका केक खाने का दिल चाह रहा है और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो आप ये केक ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत आसान केक है और ये बहुत सॉफ्ट और मज़ बनता है। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, कितना अच्छा लग रहा है केक, कितना सॉफ्ट बना है हमारा केक। तो अगर आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसी मज़े की रेसिपीज देखनी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।